तो अब हम कर्नल अजय से जानेंगे कि कमोडिटी बाजार कैसा रह सकता है। कर्नल अजय जी, कमोडिटी बाजार में सबसे पहले आपसे कृषि फसलों का हाल जानना चाहेंगे कि ज्योतिष के हिसाब से और एस्ट्रो फाइनेंस के हिसाब से क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या टेक्निकल चार्ट्स कहते हैं, और वो कौन सी कमोडिटीज होंगी जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा लिखा है, और किन कमोडिटीज से बचना चलना सही रहेगा एग्री कमोडिटीज की बात की जाए तो। देखिए, एग्रो कमोडिटीज के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो अभी चर्चा में है वो तिलहन के अंदर सोयाबीन है। सोयाबीन के अंदर अभी बहुत विशेष थोड़ा सा ख्याल रखने वाली बात है, सोयाबीन के अंदर हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक और मैं आपसे चर्चा हो रही थी कि सोयाबीन जो है वो अभी बिल्कुल अपने हवा के घोड़े पे सवार होने वाला है, और वो तकरीबन हो भी गया है कि सोयाबीन के अंदर एस्ट्रोटेक्निकल के मुताबिक स्थिति के अनुसार आज मजबूती की संभावना बन सकती है। और कल भी आपको याद होगा हमने सोयाबीन के ऊपर विशेष चर्चा की थी, हमने कहा था कि सोयाबीन के अंदर अच्छी तेजी बन सकती है, और ये लगभग चंद सप्ताहों के अंदर ही इन्होंने लगभग 25% की एक बड़ी तेजी सोयाबीन में निचले स्तरों से बन गई है। गौरतलब है कि सोयाबीन के ऊपर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी की कमी करना, स्टॉक लिमिट जैसी चर्चाएं करना, इससे कारोबारी और किसानों के अंदर बड़ा रोष था, और उस वक्त भी यही कहा गया था कि आज से करीबन एक से डेढ़ महीने पहले जब ये सारी चर्चाएं चल रही थी कि फसल का टाइम है और इस समय इंपोर्ट ड्यूटी घट रही है, सोया डीओसी का इंपोर्ट की बात हो रही है, ये सब किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि जब 10,000-9,000 का भाव था, जब उसके बाद में जब 5,000 से नीचे बिकने लग गया, उस वक्त ये स्थिति करते ही ये किसानों के लिए या कारोबारियों के लिए अच्छी सूचना नहीं थी। उस वक्त आपको याद होगा अखिलेश जी, हमने एक आपको पैराग्राफ कहा था, हमने दो शब्द कहे थे कि यदि कमोडिटीज किसी के रोकने से चल जाए या किसी के रोकने से गिर जाए या किसी के चाहने से चढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। और सोयाबीन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी है, इसमें किसी एक संस्था एक देश की मर्जी से कुछ नहीं होता है, ये डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ इंटरनेशनल सीनियरों के ऊपर इसमें अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सोयाबीन के अंदर तेजी आज भी जारी रहने की संभावना है, लेकिन मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, कर्नल अजय की एक बात और याद रखना कि कोई भी तेजी या कोई भी मंदी बड़े समय तक हम एक साथ काफी दिनों तक नहीं चलती है। क्या ये तेजी मंदी में बदल जाएगी? मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए, जब मंदी थी हमने कहा था कि तेजी होगी, आप घबराओ मत, परेशान मत हो, हैरान मत हो, मंदी भी बन सकती है, लेकिन उसके लिए हमारा विशेष एपिसोड का ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते हम इसके ऊपर एक विशेष एपिसोड करेंगे, यदि मार्केट टाइम की इजाजत देगा तो निश्चित रूप से वो आपके लिए फायदेमंद होगा, ये मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं एक अग्रिम चेतावनी जरूर दे रहा हूं जी अखिलेश जी। जी